सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा वाला हॉल जो कि है रेडी टू वियर साड़ीज हॉल, जिसमें कि सारी रेडी टू वियर नहीं है, कुछ मैंने रेडी टू वियर साड़ी रखी है उन फ्रेंड्स के लिए जिनको साड़ी पहनना तो बहुत पसंद है लेकिन वो थोड़ा जल्दी जल्दी में पहनते हैं तो उनसे ठीक से बन नहीं पाती या फिर उनको साड़ी पहनना नहीं आती, तो एक मिनट में ये साड़ी बन जाती है। और कुछ साड़ी ऐसी शेयर कर रही हूँ आज के वीडियो में जो कि आपके पार्टी में, फंक्शन में, पूजा में या कुछ भी ऑस्पिशियस ओकेजन पर आप उनको पहन सकते हैं। कुछ ऐसी हैं कि आप किट्टी में या फिर स्कूल में, पार्टी में, फंक्शन में, घर में, जैसे मर्जी आप पहने हैं, तो मतलब सबकी जरूरत का ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई हूं। और ये सभी साड़ियों की शॉपिंग जो मैंने की है मैंने अमेज़न से, क्योंकि अमेज़न पर चल रही है 31 मई से लेकर के 5 जून तक सेल, जिसमें आपको 50% से लेकर के 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा 1500 से ज्यादा ब्रांड के ऊपर और आपको 3 लाख से ज्यादा स्टाइल भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने शॉपिंग अभी तक कुछ विशलिस्ट में डाला हुआ है तो जरूर से शॉपिंग कीजिएगा। और जितने भी आज के वीडियो में प्रोडक्ट दिखाऊंगी उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, कुछ फ्रेंड मेरे लुक का जो भी मैंने आज कैरी किया है उसके बारे में भी पूछेंगे, तो मैं इन दोनों चीजों का लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यानी कि इस वाली साड़ी का, ये कॉटन साड़ी है और एक ये ब्लाउज है मेरा, ये रेडीमेड ब्लाउज है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, वो बोल देती हूँ, वीडियो कहीं पर भी पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आज का लुक मेरा कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी कहीं पर और इसी लुक को कैरी करके गई थी, वहां पर मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट मिले। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाली साड़ी ली है जो कि रेडी टू वियर साड़ी है, यानी कि एक मिनट साड़ी भी बोलते हैं इसको, और ये अखिलम ब्रांड की तरफ से है और शिफॉन की साड़ी है, प्योर शिफॉन की साड़ी है। इसके साथ में मिलता है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस जो कि शिफॉन का है अगेन, और ये साड़ी ना बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए इस तरीके से इसमें प्लीट्स बनी हुई हैं पूरी जगह पर और यहाँ पर आपको हुक भी दिया रहता है इस साइड से, आप ऐसे करके घुमा करके पहनेंगे। और ये देखिए ये दो इस टाइप से नाड़े टाइप बन दिए हैं, इसको आप अपनी कमर में बांध लेंगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। और इस यहाँ पर ये देखिए आपकी प्लेट्स बनी हुई हैं, बाकी आपको पहन करके दिखा दूंगी मैं ये कैसा लग रहा है। और आज के वीडियो में ना मैंने थोड़े से स्टाइलिंग आइडियाज भी आप सबके साथ में शेयर किए हैं कि आप किसी भी सिंपल साड़ी को या हैवी साड़ी को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं ओकेजन के हिसाब से। तो ये वाली साड़ी अगर आप किट्टी में जा रहे हैं या अगर आप जैसे किट्टी में जा रहे हैं तो फ्लावर वगैरह लगा लीजिएगा, है मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। टीचर हैं या जॉब करते हैं तो आप उसको पर्ल के साथ में थोड़ा सा एक्सेसराइज करके और अच्छे से उसको कैरी करके रखेंगे ना, बहुत सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी। तो ये तो है इसकी साड़ी और ब्लाउज भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है इसका ब्लाउज जो कि 80 सेंटीमीटर का है, बहुत ही अच्छा ब्लाउज है और इस ब्लाउज को आप लाइनिंग लगवा करके स्टिच करा सकते हैं। साड़ी बिल्कुल पूरे 5.5 मीटर की है, पल्ला भी काफी लंबा है तो आप इसमें जा सकते हैं। ये सिरिल ब्रांड की तरफ से है और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये 649 की है। इससे पहले वाली साड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वो प्योर शिफॉन में है और उसका प्राइस जो था वो 749 था, वो रेडी टू स्टिच साड़ी थी तो वो पहनने में इजी है। ये अनस्टिच मतलब जो प्रॉपर साड़ी होती है ये वो है, 5.5 मीटर की साड़ी है, 80 सेंटीमीटर का इसमें ब्लाउज जो है वो इंक्लूड है। ये जकार्ड सिल्क की साड़ी है और पूरी साड़ी बहुत ही खूबसूरत से जाल पैटर्न में है। ये देखिए इस तरीके से, ये उल्टा साइड दिखा रही हूं मैं, ये है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस बहुत ही सुंदर है, इसको आप बनवा सकते हैं लाइन लगा करके, लाइनिंग लगा करके आप बना सकते हैं। और यहां से देखिए ये साड़ी का ये शुरू होती है पूरी साड़ी में इस तरीके से, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी बॉर्डर आ जाता है और ये पूरा जाल वर्क है। जकार्ड सिल्क की साड़ी है, बहुत ही प्यारी है, पूजा में किसी भी स्पेशल ओकेजन पर, बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह में पहन सकते हैं, गृह प्रवेश वगैरह हो, जागरण, कथा कीर्तन कुछ भी हो ना, उसमें इस तरह के
ऑस्पिशियस कलर बहुत प्यारे लगते हैं शादी पार्टी में भी। तो ये पूरी साड़ी और ये है इसका आंचल, आंचल बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है इस तरीके से। पूरी साड़ी में जाल वर्क है तो आंचल जो है वो इस तरीके से दिया गया है और साइड में आपको इसका ट्राई ऑन पता चल जाएगा मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया है। और मैंने पार्टी वियर लुक इसका क्रिएट किया है, जैसे किसी फंक्शन पार्टी में जाना हो तो आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। दोस्तों पहले जो भी दोनों साड़ियां दिखाई उसमें काफी सारे कलर अवेलेबल हैं तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और ये वाली जो साड़ी दिखा रही हूँ इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, बनारसी कांजीवरम साड़ी है ये, सिल्क बनारसी कांजीवरम साड़ी और इसका प्राइस है केवल 459 रुपीज। और सेल में अगर लेंगे तो आपको इससे कम भी मिल सकता है। देखिए प्राइस वेरिएशन होता है इसलिए एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, पूजा फंक्शन पार्टी शादी या किसी का मुंडन कथा कीर्तन जागरण वगैरह कुछ भी हो आप इसको बिल्कुल बेझिझक पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। और मैंने इस वाली साड़ी के साथ में ना साउथ इंडियन लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी, टेंपल ज्वेलरी के साथ में मैंने इसको पहना था और इस साड़ी को मैं बहुत जल्दी रेडी कराने वाली हूँ, फंक्शन वगैरह आते रहते हैं तो उसमें इस तरह की साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। इसको मैं टेंपल ज्वेलरी के साथ में साउथ इंडियन लुक में गजरा वगैरह लगा करके तब इसको कैरी करूंगी, बाकी उससे सिमिलर लुक मैंने कैरी करने की कोशिश की है क्योंकि इसका ब्लाउज बना नहीं था इसलिए मैंने एक प्लेन ब्लाउज के ऊपर इसको पहना है, बाकी इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। सो ये है इसका ब्लाउज, ये कुछ इस तरीके से है, हल्की हल्की सी सेल्फ प्रिंट में बूटी पड़ी है और इसके बाद में ये अंदर के साइड में स्कर्ट एरिया में आएगा, बाकी पूरी साड़ी के ऊपर इस तरीके का बॉर्डर है, आप देख सकते कितना सुंदर बॉर्डर है, बिल्कुल जरी का बॉर्डर है और जरी का ही यहाँ पर मोटिव पड़े हुए हैं। पूरी साड़ी में इसी तरीके से मोटिव है, दोनों साइड में बॉर्डर है एक ही बराबर चौड़ा, ये वाला देखिए इस तरीके से, मैं आपको उल्टी साड़ी दिखा रही हूँ, ये है ये वाला आ गया है पल्ला यानी कि आंचल साइड आ गया है इस तरीके से पूरी साड़ी में आंचल, और ये पूरा इस तरीके से पैटर्न है, ये आपके स्कर्ट एरिया में आएगा इतना अंदर के साइड में और ये है इसका ब्लाउज। तो साड़ी बहुत अच्छी है और इसका ना एक साइड का तो ये देखिए इतना चौड़ा है बॉर्डर जो कि जरी का है और दूसरे साइड में ऊपर के साइड में थोड़ा पतला बॉर्डर है और ये बहुत सुंदर साड़ी है, ये तो मैं जरूर तैयार करने वाली हूँ। इसमें भी काफी सारे कलर अवेलेबल हैं तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी है बिल्कुल 100% कॉटन में और इस साड़ी में मैंने एक इंस्टा पर रील भी डाली थी, आप सबको काफी पसंद आई थी। ये मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से स्टाइल की थी हालांकि, लेकिन इसके साथ में इसका ब्लाउज या कोई अच्छा सा क्रॉप टॉप के साथ में इसको स्टाइल करेंगे तो ये और ज्यादा खूबसूरत निकल करके आएगी। यह है अखिलम ब्रांड की, प्राइस की बात करूं तो 759 रुपीज इसका प्राइस है और ये 1 मिनट साड़ी है, रेडी टू वियर साड़ी है, 100% कॉटन बॉटनिकल प्रिंट में है, बहुत ही प्यारा सा कलर है और बहुत ही सारा प्यारा सा प्रिंट है इसका। ये इसके साथ में मिलता है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस जो कि इसके साथ में अटैच्ड है और यहाँ पर देखिए फ्रंट के साइड में इसमें भी इस तरीके से काफी सारी प्लीट्स हैं तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जहां पर भी आपको लगाना है हुक लगा सकते हैं और इस साइड में आ जाता है हुक, जब ये घूम करके पहनेंगे ना तो फिर इसमें हुक जो आएगा वो ठीक से आ जाएगा और इसके बाद में ये आ जाती है इसमें प्लीट्स और प्लीट्स भी लगभग 5 से 6 प्लीट्स इसमें बनी हुई हैं तो देखने में अच्छी लग रही है, पहन करके भी कंफर्टेबल है। मैंने इसको टी शर्ट के ऊपर वियर किया था और इंडो वेस्टर्न लुक बनाने की कोशिश की थी मैंने, थोड़ा सा फंकी टाइप का बनाने की कोशिश की थी, बाकी अगर आप इसको ट्रेडिशनल की तरह पहनना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। स्कूल में टीचर हैं आप या बैंक वगैरह में आपकी जॉब है तो इस टाइप की, या आप कोई भी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में है जहां पर साड़ी वगैरह पहननी पड़ती है या अच्छी लगती है साड़ी पहन करके जाना तो उसमें ना समर्स में ये कॉटन की साड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। आप चाहो तो इसके ऊपर ब्लाउज सिलवा सकते हो, चाहो तो आप इसको इसके साथ में कोई भी व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप के साथ में भी पेयर कर सकते हो जैसे मैंने टी शर्ट के ऊपर किया था, आप क्रॉप टॉप ले लीजिएगा।
और ये इसका पल्ला है, ये देखिए। और यहाँ पर भी इसमें स्टिचिंग की हुई है, तो आपको पीको वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, उसमें भी स्टिचिंग की हुई थी। अगर आप चाहें तो पीको करा सकते हैं, अदरवाइज इतनी जरूरत है नहीं। ये इसका ब्लाउज पीस है, अगर आप ब्लाउज पीस स्टिच कराना चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। 100% कॉटन में है। और दोस्तों, समर्स में इंडिगो प्रिंट बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, और मैं आज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, गई थी अपनी एक फ्रेंड के घर, तो अच्छा लग रहा था ये कलर पहना हुआ। इंडिगो प्रिंट की ये वाली साड़ी 100% कॉटन में है, विद पोम-पोम लेस है इसमें, नीचे के साइड में पूरी लगी है और पल्ले के साइड में भी है। और ये भी मैंने अमेजोन से ली थी काफी टाइम पहले, और इसका ब्लाउज जो लिया था वो भी अमेजोन से लिया था, स्टूडियो श्रृंगार या श्रृंगार स्टूडियो करके एक ब्रांड है, वहां से लिया था। ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, और ये बोट नेक का ब्लाउज है, और इसको दो साइड से पहन सकते हैं, यानी कि अगर आपको फ्रंट बटन चाहिए तो आप इसको उल्टा करके पहन सकते हो, अदरवाइज इसमें जो हुक आते हैं वो बैक साइड में आते हैं। मैंने जब इसको लास्ट टाइम पहना था तो इसका बोट नेक आ रहा था, क्योंकि हुक पीछे थे। आज मैंने पहना है इसको, फ्रंट में बटन है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये इस तरीके से भी पहन सकते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा नेक थोड़ा डीप हो जाता है, तो इसको दो तरीके से पेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा 100% प्योर कॉटन में है, और इंडिगो प्रिंट के ऊपर मैंने इंडिगो ही पहना है। अगर आप चाहें तो प्रिंट के साथ में प्लेन भी कर सकते हैं, प्रिंट के साथ में प्रिंट भी पहन सकते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, 2-3 साल पहले ली थी, अभी तक बहुत काम में आ रही है, बहुत ही प्यारी लगती है समर्स में स्पेशली, एक बार मैं इसको जरूर पहनती हूँ। अगर आपको पसंद है तो लिंक मैं नीचे दे दूँ। बात करती हूँ आज की शो स्टॉपर साड़ी की, जिसका कलर इतना प्यारा है, रामा ग्रीन कलर की साड़ी है, और इसका प्राइस भी बहुत कम है, लेकिन इतनी प्यारी साड़ी है कि मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप किसी पार्टी वियर या किसी सिल्क की फैन हैं तो आप इस साड़ी में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ही सस्ती है। ये भी 500 के अराउंड ही है, लेकिन साड़ी का कपड़ा, साड़ी का कलर, साड़ी इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप लेंगे ना तो बाद में मुझे थैंक यू जरूर बोलने वाले हैं। ये बहुत प्यारी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ साड़ी जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। साड़ी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इस साड़ी को मैंने स्टाइल किया था थोड़े से मॉडर्न तरीके से, वैसे इसको साउथ इंडियन स्टाइल में भी कर सकते हैं कैरी, या फिर इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से करने की कोशिश की थी, आई होप आपको पसंद आएगा। और ये इसमें देखिए चारों तरफ नहीं पल्ले में इस तरीके से इसमें टैसल दिए हुए हैं, और ये है इसका पल्ला साइड, बाकी पूरी साड़ी के ऊपर जरी का काम हो रखा है इस तरीके से, रामा ग्रीन कलर की है, और ये देखिए ये भी सिल्क का ही है, सेम वही वाली साड़ी है जो मैंने मजेंटा कलर की आपको दिखाई थी ना, वो यही वाला कपड़ा है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बाकी इसका ब्रांड और जो इसका प्राइस तो मैंने बता दिया है, ब्रांड मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी, इसका कपड़ा क्या है वो भी ऊपर मेंशन कर दूंगी, बट ये पहनने में बहुत ही आराम से ड्रेप हो रही थी और कंफर्टेबल भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, एक तो बहुत ही लाइट वेट सी साड़ी है, लेकिन इसका लुक जो है वो काफी हैवी है, ये देखिए। और ये है इसका ब्लाउज पीस, तो आप इसका ब्लाउज पीस बनवा सकते हैं लाइनिंग लगवा करके, अच्छा लगेगा इसका ब्लाउज पीस भी। और पूरा बॉर्डर है, और पूरी साड़ी में इस तरीके से ही प्रिंट है, और दोनों साइड में इस तरीके का बॉर्डर दिया है, ये देखिए। ये बहुत प्यारी साड़ी है, आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आपको कौन सी साड़ी ज्यादा पसंद आई वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।